अकॉर्डिंग ही जो है क्रिएट किया है, तो आप इसको इंजॉय कीजिए। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ पॉन्ड्स का ये मॉइस्चराइज़र। ये इसके अंदर 3 विटामिन्स हैं तो इसीलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और इसे अब ठंड का टाइम है, सबको पता है, तो और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई भी है, तो मैं इसलिए अपने फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो अगर आपकी स्किन भी ड्राई है तो अच्छे से उसे मॉइस्चराइज़ करें। और फिर मैं यहाँ पे जो है पहले अपने आईब्रो फिल करूँगी, क्योंकि आईब्रो में मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ कि मुझे आईब्रो डिफ़ाइन करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। मैं बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करती हूँ क्योंकि ऐसा ना लगे कि बहुत वियर्ड ना लगे, अलग से ना दिखे, तो बिल्कुल नेचुरल लुक देने के लिए आपको थोड़ा सा इस पर टाइम देना ही पड़ेगा अच्छे से। तो इसे मैंने पहले लाइन ड्रॉ कर लिया है पेंसिल से। अब उसके बाद जो है मैं ये जेल ले रही हूँ, ये मैक का है, तो इसे मैं ब्राउन कलर का इसे मैं हल्का हल्का अपने एंगल ब्रश में लेके जितना भी मेरा आईब्रो में स्पेस है या फिर खाली जगह है उसे मैं अच्छे से फिल कर रही हूँ। और आगे की तरफ जितना आप देख रहे हैं लाइट ही मैं अपने ब्रश को जो है से अप्लाई कर रही हूँ। और इसे बहुत ही नेचुरल वे में मैं बनाऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि मैं अलग से ही दिखे कि मैंने आईब्रो को जो है फिल किया हुआ है, तो बहुत ही नेचुरल। और ये धीरे धीरे और लाइट हो जाएगी जब लास्ट में मैं पूरा मेकअप हो जाएगा तब। अब नेक्स्ट जो है मैं ये एक कंसीलर ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रो को अच्छे से डिफ़ाइन कर लूँगी, मींस कि इसे कंसीलर लगा लूँगी और बहुत ज़्यादा शार्प दिखाने के लिए। तो आपको साइडों में, मतलब साइड्स में, अपर में आपको जो है कंसीलर लगा के अपने आईब्रो को अच्छे से क्लीन करना है। और मैं थोड़ा सा डैब भी कर रही हूँ कि थोड़ा सा ऐसा अजीब ना लगे इस वजह से। और इसी कंसीलर देख सकते हैं आप, मैं कंसीलर ब्रश से ही जो है लगा रही हूँ। और ये कंसीलर नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये है मेरा पेनस्टिक, तो मैं उसी से ही जो एज अ कंसीलर मैं उसे यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि वो बहुत मेरे शेड से लाइट है, तो वो एज अ कंसीलर भी यूज़ हो जाती है। तो इसे मैं अपने पूरे आईलेट पे भी अप्लाई कर लूँगी और इसे हल्का हल्का सा जो है हर जगह अप्लाई कर लूँगी। और लास्ट में जो है मैं इसे एक स्पंज की हेल्प से मैं इसे डैप करते हुए अच्छे से क्लीन कर लूँगी। डैप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्रश से कहीं ना कहीं पे इतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती है, तो आप कोशिश करें कि लास्ट में जो है एक बार ही स्पंज की हेल्प से अपने फेस को अच्छे से डैप करते हुए उसे क्लीन कर लें। आप देख सकते हैं मैं एक पेन स्टिक की हेल्प से ही जो है इसे यूज़ कर रही हूँ और ये है ब्लू हेवन की। तो अब मैं इसे जो अपने पूरे आईलिड पे भी लगा लूँगी और अच्छे से, क्योंकि आई शेडो को अगर जब भी आप आई मेकअप करते हैं तो उसके लिए बेस होना बहुत ज़रूरी है। तो बेस के लिए आप या तो फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, आई प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, आई बेस यूज़ कर सकते हैं या कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप इसमें से जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से डैप करते हुए क्लीन कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरी जो आईब्रो वाला पार्ट है, मतलब आईज वाला जो पार्ट है, वो अलग ही क्लीन दिख रहा है। और इसे सेट करने के लिए आप लूज़ पाउडर का या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर का जरूर यूज़ करें, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो केकीनेस फील नहीं आएगी और जो भी आप इस पर आई शेडो लगाते हैं बहुत ही ईजिली ब्लेंड होगा, कहीं पर भी क्रीजिंग लाइन आपको नहीं दिखेगी। क्योंकि अगर आप बिना सेटिंग के अगर आप आई कलर अप्लाई करते हैं तो वो क्रीजिंग में भर जाएगा, फिर वो दिक्कत देगा आपको। अब जो है मैं एक ब्राउन कलर का आई शेडो ले रही हूँ जो कि बेस मैं ऑलमोस्ट यूज़ करती हूँ, उससे अपने आईलिड को पहले अच्छे से कवर करूँगी। आप चाहें अगर आपकी आईज़ ऑलरेडी थोड़ी सी ब्राउनिश पे है तो आप उसे ना करें, तो मैं थोड़ा सा कलर को हाईलाइट करने के लिए जो है बेस को भी हल्का लाइट कलर जो है अप्लाई कर लेती हूँ ब्राउन शेड, और उसे अपने पूरे आईलिड पे जो है अप्लाई कर लूँगी। देख सकते हैं इस तरीके से। और नेक्स्ट जो है मैं इसे अच्छे से पहले अप्लाई कर लूँगी और ब्लेंड भी अच्छे से करूँगी। ब्लेंड जो है हमारे आई मेकअप का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो आप इसे अच्छे से ब्लेंड करें अगर आपको कलर बहुत अच्छे से चाहिए तो। नेक्स्ट मैं ये ग्लिटर जो है मिस गोल्ड का
शेडो आई पैलेट है, इसमें से ये वाइन कलर लूँगी और ये वाइन और एक गोल्डन, इन दोनों को मिक्स करके जो है मैं एक आई मेकअप लुक क्रिएट करूँगी। मुझे ऐसे सच माइंड में नहीं है कि किस तरीके का मुझे जो है क्रिएट करना है, बट मेरे माइंड में जस्ट ऐसा अभी पैलेट देख के लगा कि मुझे इस तरीके का कुछ एक क्रिएट करना चाहिए, तो इसलिए ही जो है मैं ये क्रिएट करूँ। क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए, वैसे अगर आपकी ड्रेस आपको पता है कि आपको क्या पहननी है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने कलर चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इनके कोई कलर नहीं समझ में आ रहा है, और मेरे को अभी ऐसे, मैं तो मेरा वैसे भी जो कलर है वो पिंक कलर में मैच करता, पिंक टोन थोड़ा सा मैच करता रहता है, तो रात में थोड़ा ये पिंक शेड आई शेडो जो है बहुत ही अच्छा लगता है, पिंक एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन। तो मैंने जो है ये पिंक बेस अगेन, वो थोड़ा सा लाइट लग रहा था तो मैंने अपने ये लैक्मे के किट में से जो है एक डार्क पिंक लिया और उसे अपने हाफ लिड पे जो है इसे अप्लाई कर लूँगी मैं। तो आप देख सकते हैं ये कलर थोड़ा सा अच्छा आ रहा है, वो बहुत लाइट लग रहा था मेरे को, तो मैंने डबल कोटिंग करने के लिए नेक्स्ट पैलेट में से जो है उस पिंक शेड लिया, और ये अब क्लीन फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, जो भी क्रीजिंग लाइन वगैरह होगी उस वो क्लीन हो जाएगी, और ब्लेंड अच्छे ब्लेंडिंग जो है मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, और मतलब बहुत अच्छे से कर रही हूँ कि जिससे कि मुझे कोई भी हार्शनेस ना दिखाई दे। नेक्स्ट मैं एक ये गोल्डन कलर ले रही हूँ एक ब्रश में, जो कि मैंने आपको बताया था ये ब्रश, और मेरे से यहाँ पर एक गलती होगी, मैं जो मेकअप सेटिंग स्प्रे था उसको मैंने डायरेक्ट बहुत ज़्यादा जो है ब्रश पर अप्लाई कर लिया, तो वो बहुत ज़्यादा वेट हो गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी आई शेडो को ब्लेंड करने में। लेकिन आप कोशिश करें, बहुत ही लाइट सेटिंग स्प्रे अगर आप डालते हैं तो उससे क्या होता है कलर बहुत अच्छे से निकल कर आता है, तो मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था इसलिए ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैंने फिर नेक्स्ट ब्रश से जो है इसको अप्लाई करा था। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है, ये पिंक और गोल्डन थोड़ा मिक्स मैच करके आ रहा है, क्योंकि जो गोल्डन कलर था इसका ये भी बहुत लाइट है और पिंक शेड थोड़ा सा डार्क हो गया था, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनकर आया ये। तो आप भी कुछ इस तरीके से भी जो है क्रिएट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, और अगेन मैं इसे जो है, जो मैंने पिंक शेड पहले लिया था उसे थोड़ा सा अपने आउटर कॉर्नर पे जो है अप्लाई करूंगी इस तरीके से। मैं हाफ आईलेट पे ही जो है इसे अप्लाई करूंगी एज अ वी शेप में, तो थोड़ा सा जो है क्रिएट अच्छा हो जाता है और देखने में ही बहुत प्यारा लगता है। कैमरा थोड़ा सा मेरे को दिक्कत दे जाता है जब भी मैं आई शेडो वगैरह अप्लाई करती हूँ, बहुत जल्दी कैची नहीं होता है तो इस वजह से, लेकिन ओरिजिनलिटी में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब मैं जो है हैंड से भी थोड़ा सा वो एक आई शेडो ले रही हूँ गोल्डन कलर का वही वाला, और उसे अपने हाफ आईलेट पे जो है प्रेस करते हुए अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ब्रश से मुझे लगा थोड़ा सा क्लीन नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मैंने हैंड की भी जो है हेल्प ली। तो आप भी चाहें तो थोड़ा, अगर आप शिमरी या ग्लिटरी अगर अप्लाई करें तो ब्रश से ज़्यादा अच्छा है कि आप फिंगर का यूज़ करें, क्योंकि बहुत अच्छे से प्रेस हो जाता है और फैलता भी नहीं है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, और ये मैंने अपने हैंड पर ले लिया है, और इसे मैं डॉट करते हुए लगा लूँगी अपने फेस पे, और इसे एक ब्रश की हेल्प से जो है अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो बहुत अच्छे से जो है मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी, जो कि ऑब्जर्व हो जाए मेरी स्किन में, और अच्छे से आप देख सकते हैं। एक्चुअली प्राइमर लगाने का बहुत ही अच्छा बेनिफिट रहता है, एक तो लॉन्ग लास्टिंग रखता है, फ्रेश रखता है और मेकअप को स्टे रखता है। तो मैंने वैसे एक वीडियो बनाया हुआ है इस मतलब प्राइमर का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो वो आप अगर चाहें तो मेरे चैनल पे जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कलर करेक्टर ले रही हूँ, और ये मैं कलर जो है ले रही हूँ, और जितनी ब्लेमिशेज वगैरह पार्ट है मेरा या फिर थोड़ा सा डार्क पोर्शन है, मैं उसे जो है इससे हाइड कर रही हूँ। तो कलर करेक्शन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपको यूज़ करना, अगर आप बहुत अच्छा मेकअप, अगर आप रेगुलर पे यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे अवॉइड करें कलर करेक्शन को, लेकिन अगर आप पार्टी मेकअप वगैरह कर रहे हैं तो आप कलर करेक्टर जो है यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है चेहरा बहुत ही शाइन मारता है, एक क्या कहते हैं
क्लीनअप सा, मतलब एक क्लियर दिखता है आपका फेस और अच्छे से ब्राइट हो जाता है, तो आप इसे अच्छे से हाईलाइट हो जाते हैं एक तरह से, कहने का मतलब है बहुत ही अच्छा सा। तो आप, मैं इसे एक ब्रश की हेल्प से जो है अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, इसे अच्छे से जो है ब्लेंड कर लें। और मैंने यहाँ अपने डार्क सर्कल्स पे भी अप्लाई कर लिया अंडर आई पे, तो वैसे आप चाहें तो यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे यहाँ पे भी एक बार अप्लाई करके सोचा कि देखती हूँ, तो थोड़ा सा ब्राइटनेस हो जाएगी इस वजह से, और जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि कवर नहीं हुआ है तो वहाँ पे आप दोबारा जो इसे अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं अप्लाई कर रही हूँ ये लैक्मे का फाउंडेशन, तो ये वैसे ड्राई स्किन वालों के लिए इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, मेरे मेरी ड्राई स्किन है इसलिए मैं बता रही हूँ कि मुझे इतना अच्छा खास नहीं लगा, लेकिन इसके अगर अंदर आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके लगाते हैं तो ये फुल कवरेज दे देता है, और अच्छा सा कवरेज मतलब एक तरह से दिया है इसने। तो मैंने आज जो है ये वाला फाउंडेशन यूज़ किया है, और इसे एक ब्रश की हेल्प से जो है ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, फुल कवरेज दे देता है, बस थोड़ा सा ये लगता है इसमें मेरे को एक बेनिफिट। तो और अपना नेक पार्ट बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, नेक पार्ट, ईयर्स, जहाँ पे भी आपको जितना भी डिप गला पहन रहे हैं तो वो चीज़ जो आप कवर जो है वो फाउंडेशन वहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि वरना फिर वो अलग से लगता है। इसके बाद मैंने ये फाउंडेशन एक ओवल ब्रश लिया, इसे मैं अच्छे से जो है अपने फेस पे मर्ज करूँगी। तो आप कहीं कहीं देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा ना पैची सा हो जाता है ये फाउंडेशन, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है ये अच्छे से सेट हो जाता है। तो मुझे लगा कि शायद ये थोड़ा सा, क्योंकि मुझे फुल हैवी कवरेज लेना था तो उससे जो है ब्रश से जो है वो हट रहा था, तो मैंने ब्लेंडिंग ये ब्लेंडर से जो है अच्छे से इसे अप्लाई किया, और डैप करते हुए इसे आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। मैं हैवी कवरेज इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे पार्टी मेकअप जो है क्रिएट करना था, मुझे पार्टी में जाना था, तो इस वजह से मैंने इसको जो हैवी लुक क्रिएट किया है। तो आप देख सकते हैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लें। उसके बाद जो है मैं एक कंसीलर पैलेट में से लाइट कलर लेके अपने अंडर आई एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ। आप एक वी शेप में ही इसे अप्लाई करें। अगेन मैं इसे इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी, और मैं भी बीच में भूल जा रही थी, मुझे मतलब नहीं समझ में आ रहा था कि मैंने आई मेकअप कर लिया है। तो वैसे मैं आई मेकअप बाद में करती हूँ, लेकिन मुझे एकदम सडनली याद आया तो मेरे को लगा वरना कि मैं ख़राब कर ले रही थी अपना ये इस पार्ट को, तो इस वजह से इसे मैं एक फाउंड अच्छे से जो अपने कंसीलर को अप्लाई कर लूँगी, और जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है वहाँ पे भी मैं कंसीलर अप्लाई कर लूँगी और अच्छे से जो है ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग भी अगेन मैं बोल रही हूँ आपको बहुत ही अच्छे से और टाइम लेके करें, तभी फिनिशिंग अच्छी से आती है। तो मैंने जो है इसे अच्छे से अपने कंसीलर को जो है अच्छे से अप्लाई कर लिया है, देख सकते हैं जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है लाइन है वहाँ पर मैंने उसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मैं वैसे तो ड्राई स्किन वालों को ज़्यादा लूज़ पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं यूज़ करना चाहिए वरना ड्राइनेस हो जाती है, लेकिन सेट करने के लिए आपको हल्का फुल्का जो है अप्लाई कर लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप सेट नहीं करेंगे फाउंडेशन या कंसीलर को तो फिर जो है केकीनेस या फिर एकदम स्टे नहीं रहेगा। तो आपको स्पॉन्ज की हेल्प से ही उसी के जो कॉम्पैक्ट का स्पॉन्ज होता है उसे अच्छे से जो है आपको डैप करते हुए उसे सेट कर लेना है, इससे क्या होगा केकीनेस नहीं रहेगी। अब मैं इसमें से ये क्रीमी कॉन्ट्योर ले रही हूँ और उसे अपने फेस पे अच्छे से कॉन्ट्योर करूँगी। मैं कॉन्ट्योर आज ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो है आज हेयर स्टाइल कुछ और वे में बनाना था, तो इस वजह से मैंने कॉन्ट्योरिंग को जो है ज़्यादा हाई नहीं किया है, बहुत ही लाइट मीडियम मैं इसे कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क या बहुत ज़्यादा शार्प नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को जो हेयर स्टाइल है वो मतलब फेस की कटिंग वैसी हो जाती है, तो अगर मैं कॉन्ट्योरिंग करूँगी तो थोड़ा सा और मुझे फिर लगेगा, तो इस वजह से जो है मैं कॉन्ट्योरिंग बहुत लाइट कर रही हूँ, और इसे अच्छे से जो है डैप करते हुए अपने फेस पे जो है लगा लूँगी। और इसे मैं अपने फोरहेड पे भी हल्का हल्का सा जो है शेडो के शेड में इसे मैं जो है अप्लाई कर लूँगी।
और इसको मैं जो है सेट करने के लिए यूज़ करूँगी, हाँ ये भी मेबलिन का या फिटमी का है शायद ये, तो इसे मैं, ये कॉन्टूर पाउडर है, इसे मैं अपने क्रीमी कॉन्टूरिंग के ऊपर ही इसे अप्लाई करूँगी जिससे कि सेट रहे और वो हटे ना। तो इसे मैं पाउडर से भी सेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना क्या होता है फिर फैलने का डर रहता है अगर क्रीमी टेक्सचर में आप अप्लाई करते हैं तो। तो सेट करने के लिए अगेन मैंने पाउडर यूज़ किया है, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ लोटस का ये ब्लशर, और ये ब्लशर मेरा फेवरेट है बहुत ज़्यादा, तो इसे मैं जो है अपने चिक बोन्स पे जो है अप्लाई कर लूँगी एज ए स्माइल फेस बना के। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये कलर, तो आप इस तरीके से जो है अप्लाई कर सकते हैं ब्लश को, और डैप करते हुए आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये अप्लाई हो गया है। और अब मैं इसे करूँगी हाइलाइटर, हाइलाइट करूँगी तो एक फैन ब्रश की हेल्प से जो है मैं ये गोल्डन कलर का हाइलाइटर ले रही हूँ, और इसे अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है वहाँ पे जो है मैं इसे अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा करना है हाइलाइटर तो आप बहुत ज़्यादा करें, कम करना है तो कम करें, एज योर विश, जैसे आपको अच्छा लगता है। तो इस तरीके से जो है मैं अप्लाई कर रही हूँ, और अपने आईब्रो बोन पे भी मैं इसे जो है अप्लाई कर लूँगी। हल्का सा मुझे लाइट लग रहा था तो अगेन मैंने जो है हेल्प फिंगर की हेल्प से जो है इसे अच्छे से हाईलाइट कर लिया है, और अपने हाईएस्ट पॉइंट पे नोज़ पे और क्यूपिड बो पे जो है अच्छे से मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। और अब मैं ये अपने कर्ल की आईलैश कर्ल की हेल्प से जो है कर्ल कर लूँगी अपने आईलैशेस को, और अच्छे से आप प्रेस करें और 5 से 5 1 सेकंड के लिए या मिनट के लिए आप इसे अच्छे से कर्ल करके रखें तो बहुत अच्छे से कर्ल हो जाता है। मैं अप्लाई कर रही हूँ ये मस्कारा, और इसे आप 2 से 3 कोट लगाएं अगर आप फॉल्स आईलैशेस नहीं लगा रहे हैं तो एकदम आपको ये, अगर आपने फॉल्स आईलैशेस नहीं लगानी है तो आप इसको 2 से 3 कोट जो है अप्लाई करें। देख सकते हैं इसे बहुत अच्छे से जो है ये आपको वैसा ही एक लुक दे देगा कि जैसे आपने फॉल्स लैशेस लगा रखे हैं। अगर आपके पास टाइम है और आपको बहुत अच्छे से लगाने आते हैं तो आप जो डेफिनेटली जो है फॉल्स आई लैशेज़ लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे अवॉइड किया है क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था, प्लस मेरे को लगानी भी नहीं थी, तो इस वजह से दोनों ही बातें थी, तो इस वजह से मैंने जो है नहीं लगाई। तो इसे मैं 2 से 3 कोट जो है लगा रही हूँ आराम से, और नीचे की जो भी आई नीचे भी लैशेज़ हैं उस पे भी लगा रही हूँ अच्छे से। देख सकते हैं अंदर की तरफ बाहर की तरफ दोनों तरफ आप इसे अप्लाई करें तो बहुत अच्छा लुक ये जो है आपको दे देती है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ जेल आईलाइनर, आप चाहें तो लिक्विड आईलाइनर भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आज मेरा जेल आईलाइनर लगाने का एक मन हो रहा था तो मैंने सोचा चलिए इस तरीके से लगा के देखती हूँ। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इसे अवॉइड करें, या क्योंकि ये फैलने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो आप चाहें तो एक तरह से लिक्विड आईलाइनर ही जो है प्रेफर करें, और क्योंकि मेरे को ये बाद में जो है फैल चुका था तो बहुत दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए अगर आप पार्टीज़ वगैरह में जा रहे हैं तो लिक्विड आईलाइनर ही जो है प्रेफर करें। मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप जो है लिक्विड आईलाइनर ही लगाएं, नीचे लोअर लाइन पे भी जो है मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि जो ये जेल आईलाइनर होते हैं कहीं ना कहीं स्मच प्रूफ नहीं होते हैं और ये जो है फैल जाते हैं और आपका पूरा मेकअप जो है ये ख़राब कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से जो है अप्लाई कर सकते हैं अपने आईलैशेस आईलाइनर को। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ रेड कलर का लिप शेड, और अगर आप नाइट पार्टीज़ वगैरह में जा रहे हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप रेड कलर ही शेड लगा के जाएं, क्योंकि रेड कलर जो है वो हर आउटफिट पे जाता है और बहुत ही अच्छा लुक देता है आपके मेकअप को भी, तो रेड कलर जो है बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे अच्छे से अप्लाई करें, और चाहे तो आप लिप लाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं, और
आप देख सकते हैं ये जो लुक है अच्छे से क्रिएट हो गया है, और आप देख सकते हैं मेरा जो काजल है वो हल्का हल्का सा जो है ऊपर की तरफ फैल गया, तो यही मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। आप भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जेल आईलाइनर जो है अवॉइड करें।